तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। तो दोस्तों, अल्टरनेटर एक ऐसा टॉपिक होता है जो SSC JEE में भी पूछा जाता है, पावर ग्रिड में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और अल्टरनेटर एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के जिसमें क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आज आपको अल्टरनेटर के मैक्सिमम अच्छे MCQs में लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। लार्ज अल्टरनेटर्स में, यानी जो लार्ज जनरेटर्स होते हैं उनमें डैम्पर्स का क्या रोल होता है, पहला क्वेश्चन है। लार्ज जनरेटर्स में डैम्पर्स का क्या रोल होता है? डैम्पर बच्चों जनरेटर्स में स्टेबिलिटी को इनक्रीज करता है, ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, डैम्पर्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी को इनक्रीज करने के लिए लगाए जाते हैं, तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, ये ना मॉडर्न अल्टरनेटर्स के लिए पूछा गया, आजकल के अल्टरनेटर्स के। अल्टरनेटर्स नाउ अ डेज डिजाइन टू हैव पुअर वोल्टेज रेगुलेशन बिकॉज, अल्टरनेटर को आजकल पुअर वोल्टेज रेगुलेशन से क्यों डिजाइन किया जाता है? ताकि बच्चे उसमें शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट कर सकें, ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, इसीलिए आजकल के अल्टरनेटर्स को पुअर वोल्टेज रेगुलेशन से डिजाइन किया जाता है। एक्सेसिव विंडेज लॉस एंड नॉइस लॉस किसमें अकर होता है? तो बच्चे, जो एक्सेसिव विंडेज लॉस और नॉइस लॉस होता है हमारा, वो किसमें अकर होता है? तो एक्सेसिव विंडेज और जो नॉइस लॉस होता है, ठीक है, तो एक्सेसिव विंडेज और जो नॉइस लॉस होता है, जो एक्सेसिव विंडेज और जो नॉइस लॉस होता है हमारा, वो किसमें अकर होता है? एक्सेसिव विंडेज और नॉइस लॉस जो हमारा अकर होता है वो साइलेंट पोल अल्टरनेटर्स में होता है। ठीक है, ठीक है, और क्योंकि इनका, इसकी वजह क्या होती है, लिख लो, सेलियंट पोल में विंडेज और नॉइस लॉस इसलिए होते हैं, आंसर था सेलियंट पोल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो मार दिया, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, एयर गैप की वजह से, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से इसमें विंडेज लॉस और नॉइस लॉस होते हैं। ठीक है, और ये जो सिलेंड्रिकल रोटर होते हैं ना, सिलेंड्रिकल रोटर के लिए ध्यान रखना, इसमें यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पे आर्मेचर फ्लक्स जो होता है अल्टरनेटर में, वो क्या करता है? भैया, लीडिंग पावर फैक्टर में आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा पेपर में इस बार SSC JEE में। ठीक है, फिर मुंह देखते रह जाना वहां पे, चाय पी लो मैं थोड़ी सी, तब तक आप आंसर देना। टेस्टी टेस्टी, इट्स द टेस्टी टेस्टी, और मेरी चाय है टेस्टी, और मेरी चाय बड़ी टेस्टी, इट्स द टेस्टी टेस्टी, इट्स द टेस्टी टेस्टी। दो भाई इसका आंसर। तो भैया, लीडिंग पावर फैक्टर पे जो आर्मेचर का फ्लक्स होता है ना, वो एड करता है रोटर फ्लक्स को, ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन आएगा सेकंड, एड करता है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ मैं, लिखो, इसने तो लीडिंग पे पूछा है, ठीक है, अगर लैगिंग पे पूछता, ठीक है, तो ये सारा लिखवा देता हूँ। सबसे पहले यूनिटी पे लिखो, यूनिटी पे आर्मेचर फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्टेड। ठीक है, लैगिंग पे याद रखना, ये लैगिंग पे क्या होता है आर्मेचर फ्लक्स, लैगिंग पे डीमैग्नेटाइज करता है, टाइज। ठीक है, और लीडिंग पे एड करता है, यहाँ पे लीडिंग पूछा हुआ है तो लीडिंग पे एड करता है, बाकी दो का मैंने लिखवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे को, फिर ढूंढते रहते हो वहाँ से, इतनी अच्छी PDF में सारे इंपॉर्टेंट। इन लार्ज जनरेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल फॉल्ट इज, लार्ज जनरेटर में जो प्रोटेक्शन होती है एक्सटर्नल फॉल्ट से, वो कौन कौन सी होती है सबको बता भैया, जितने भी हमारे जनरेटर्स होते हैं लार्ज, उनको क्या क्या प्रोटेक्शन दी जाती है? इंटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन दी जाती है, यस ये दी जाती है। सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट, भैया अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो फिर डैमेज हो सकता है अल्टरनेटर के। बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, यस ऑल ऑफ द अबव, सारे दिए जाते हैं अल्टरनेटर्स को। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे।
कमर्शियल अल्टरनेटर का क्या होता है? कमर्शियल अल्टरनेटर्स के अंदर क्या होता है भैया? जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, पावर हाउस के अंदर यूज होते हैं अल्टरनेटर, उनमें क्या होता है? और स्टेशनरी आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड तो होता है, ऑप्शन ए। फिगर बना के बताऊं क्या यार? ये पूछा इसने, समझो जरा, समझा करो चीज़ों को, तभी होएगा, ऐसे फिर कुछ नहीं होएगा। ऐसे फिर कुछ नहीं होने वाला यार, चीज़ों को समझा करो, सुनो जरा आप ध्यान से सुनना। ये पूछ रहा है जो इंडस्ट्रीज़ में हमारे अल्टरनेटर होते हैं उनमें क्या होता है? तो आर्मेचर तो स्टेशनरी होता है ना, ओ भैया ये आर्मेचर है, ये रहेगा स्टेशनरी, और ये रोटर है बीच में, ठीक है। रोटर को डीसी सप्लाई देके, रोटर को डीसी सप्लाई देके घुमाया जाता है, नॉर्थ साउथ पोल बनते हैं यहाँ पे, इसको प्राइम मूवर से घुमाया जाता है। रोटर तो घूमता है ना ऐसे ऐसे, और जो स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर होते हैं ये ऐसे, इनको कट करता है ये रोटर ऐसे घूम के, ठीक है, ये कट करता है, ठीक है। तो आर्मेचर हमेशा स्टेशनरी रहता है, ठीक है, ये आर्मेचर क्या रहेगा? स्टेशनरी, ठीक है। और रोटेटिंग फील्ड होएगा, फील्ड हमेशा रोटेटिंग होएगा, ठीक है। तो सोचना भी सीखो थोड़ा सा भैया, सोचना बंद कर दिया फिर टेक्निकल एग्ज़ाम क्लियर नहीं होएगा, ठीक है। फिर नॉन टेक में जाना रहेगा, फिर सीईटी देना रहना, देते रहना सालों साल। जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं सबका यूटिलाइजेशन करो, पावर ग्रिड का एसएससी जाएगा अच्छे से, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। अब जरा ये क्वेश्चन करना, ये मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो लड़का ये क्वेश्चन कर देगा उसका सिलेक्शन 100% है एसएससी जेई प्रीलिम्स में, ठीक है। करके दिखाओ ये क्वेश्चन, जो लड़का ये क्वेश्चन करेगा, करना जरा, कोई है महारथी जो कर देगा ये? देखो जरा पहले पढ़ा करो, दो अल्टरनेटर्स रन कर रहे हैं प्रॉपर सिंक्रोनिज्म में, और वोल्टेज एक मशीन की एकदम बढ़ जाती है, ठीक है। दो अल्टरनेटर प्रॉपरली सिंक्रोनिज्म में रन कर रहे हैं और वोल्टेज एक मशीन की एकदम बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या होगा भैया? सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस होएगी दोबारा सिंक्रोनिज्म बनाने के लिए, इसीलिए तो आती है सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क एक ऐसी नाम की चीज़ होती है, क्या होता है, मान लो कोई दो अल्टरनेटर है ना, वो प्रॉपर सिंक्रोनिज्म में अगर चल रहे हैं, ठीक है, और अगर यदि वोल्टेज का वेरिएशन होता है किसी एक मशीन में, तो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क आ जाती है, जो दोबारा उसी सिंक्रोनिज्म में ले आती है मशीन्स को, ठीक है, उसी में ले आती है, ठीक है। जैसे मान लो दो अल्टरनेटर्स हैं, ये पहला अल्टरनेटर है, दूसरा अल्टरनेटर है, ठीक है, ये चल रहे हैं ये बस से, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट अल्टरनेटर है, ये सेकंड अल्टरनेटर है, ठीक है। दोनों ना पहले प्रॉपर सिंक्रोनिज्म में चल रहे थे, इसकी मान लो वोल्टेज बढ़ गई, वोल्टेज इसकी इंक्रीज होएगी, तो इनके बीच में एक सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क आती है दोनों के बीच में, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क आती है दोनों के बीच में, जो दोबारा से मशीन को रिस्टोर करा देती है पूरे मैकेनिज्म को, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका ऑप्शन आएगा सी। ये एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला ना तुम्हारा 9-10-11 तारीख को, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लो इसको ढंग से, फिर वहाँ देखोगे सर ने तो कराए थे क्वेश्चन आगे। इफ़ एन अल्टरनेटर फील्ड इफेक्ट ऑफ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इज़ टू मेक आउटपुट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जब होती है अल्टरनेटर के फील्ड में, तो फिर आउटपुट कैसी होती है भैया? पहली बात इस क्वेश्चन को करने से पहले, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले देखना, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जब भी अल्टरनेटर में बनेगी ना, तो नॉन साइनोसोडियल आउटपुट बन जाएगी उसकी, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हमेशा नॉन साइनोसोडियल आउटपुट बनती है। और ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होती कब है? जब पावर फैक्टर का लोड यूनिटी होता है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड जलाते हैं ना जब, तब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन बनती है। इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आए हो ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, और नीचे थैंक यू वैंक यू भी लिख दिया करोगे, सर इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आ रखे हो। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन यूनिटी पावर फैक्टर पे होती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? ये फ्लक्स नॉन साइनोसोडियल हो जाता है, ठीक है।
एन अल्टरनेटर इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग पावर एट पर्टिकुलर एफिशिएंसी। एक अल्टरनेटर डिलीवर करता है पावर को पर्टिकुलर एफिशिएंसी पे। फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ये बोल रहा है एक अल्टरनेटर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पावर प्रोड्यूस कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। कंसेप्ट बताता हूँ इसके पीछे। यार एक अल्टरनेटर है, ठीक है, वो कांस्टेंट वो पावर डिलीवर कर रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। अगर मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? भैया ये फॉर्मूला पढ़ा है, एनएस इज इक्वल्स टू 120 f/p? पढ़ा है कभी? पढ़ा है? जितने भी ये वीडियो देख रहे हो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक होता है, कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। अब कोई बंदा अगर टेक्निकली साउंड है, वो सबसे पहले अपने पेपर में जब वो थ्योरी क्वेश्चन उसके सामने आएगा किसी भी जेई एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले वो अपनी रफ शीट में लिखेगा कि एन एस 120 f/p के बराबर होती है। अब क्या बोला है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पावर को डिलीवर कर रहा है, मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो फ्रीक्वेंसी अगर मुझे बढ़ानी है तो मुझे क्या बढ़ानी पड़ेगी भैया? स्पीड। क्यों? स्पीड ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी ना। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर क्या आएगा? बिल्कुल आराम से आ गया ना आंसर अब दिमाग में, इंक्रीजिंग द आर्मेचर स्पीड, ऑप्शन लास्ट डी। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, देखते ही आना चाहिए बच्चों को। जिसने मशीन्स अच्छे से पढ़ी है वो देखते टिक कर लेगा इसको। जीरो पावर फैक्टर मेथड अल्टरनेटर का किस लिए यूज़ होता है? ओ भैया जीरो पावर फैक्टर मेथड अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन को टेस्ट, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए होता है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, तीन मेथड होते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने के, ठीक है। एक होता है ईएमएफ मेथड, इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड भी, सिंक्रोनस, ठीक है, इम्पीडेंस मेथड बोलते हैं इसको। ये तो हो गया ईएमएफ मेथड, ठीक है। दूसरा होता है एमएमएफ मेथड, ठीक है। एमएमएफ मेथड को एम्पियर टर्न्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक। इतना बढ़िया कोई नहीं बताता आपको, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तीसरा मेथड होता है ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड, तीसरा मेथड होता है ये ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड। अगर आपसे उसने एग्जामिनर ने चेंज करके पूछा कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है इनमें से, तो ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड जो होता है ये वाला, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, ठीक है। तो जब एक्यूरेट पूछ लेगा तो भी यही आना। और ये तीनों वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए होते हैं, ईएमएफ मेथड भी, एमएमएफ मेथड भी, ठीक है, और ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड भी। इनमें से ये सबसे एक्यूरेट होता है जीरो पावर वेक्टर मेथड मेथड वाला, ठीक है। ये करो जरा, इफ एन अल्टरनेटर इज ऑपरेट, मैं बेवकूफ हूँ क्या जो मैंने पीडीएफ बना रखी है अलग से तुम्हारे को कराने के लिए, या बेवकूफ हूँ क्या मैं अलग अलग साइटों से इतने अच्छे अच्छे से क्वेश्चन लेके आता हूँ? कुछ तो सोच समझ के ही लाता हूँगा ना। आज के क्वेश्चनों का लेवल देख लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे, एक में भी रट्टा नहीं है। इसमें जरा चलाना रट्टा, चलाना जरा इसमें रट्टा। इफ़ एन अल्टरनेटिव इज ऑपरेटिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, अल्टरनेटर में उल्टा होता है याद रखना, अगर अल्टरनेटर लीडिंग पावर फैक्टर पे होएगा ना तो वो अंडर एक्साइटेड होएगा, और लैगिंग पावर फैक्टर पे होएगा तो ओवर एक्साइटेड होगा। लेकिन सिंक्रोनस मोटर में उल्टा होता है याद रखना, अगर यहाँ पे तो उसने अल्टरनेटर दे दिया और अल्टरनेटर अगर लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होता है तो वो अंडर एक्साइटेड होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। लेकिन यदि यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर होता है अल्टरनेटर की जगह, सिंक्रोनस मोटर SM लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतना तो तुम्हें दिमाग होगा कि SM से भी बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर को। अगर यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर होता ना लीडिंग पावर फैक्टर पे, फिर ओवर एक्साइटेड आता, फिर ओवर एक्साइटेड आता, ये ध्यान रखना, ठीक है, फिर ओवर एक्साइटेड आना था यहाँ पे। भैया कमाल के क्वेश्चन है ये, करने हैं आपको अभी। पावर फैक्टर अल्टरनेटर का किससे डिटरमाइन होता है बताइए जरा? ये तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से भी हो जाएगा। पावर फैक्टर किसी भी चीज़ का किस पे डिपेंड करता है, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ। ऐसे जो मैं बातें बोलता हूँ ना ये ध्यान से सुना करो, पावर फैक्टर किसी भी चीज़ पर किस पे डिपेंड करता है? भैया लोड पे। तो लोड ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ पे। और भैया पावर फैक्टर उसी पे तो डिपेंड करेगा ना, लोड जैसा होगा। लोड अगर रेजिस्टिव है आर है, पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी। लोड अगर एल है इंडक्टिव, पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग। तो किस पे डिपेंड करेगा? लोड पे।
तो देखने देखते ही करने वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। हाँ अब भैया, जिसने मशीन पूरी पढ़ी होगी, ट्रांसफार्मर भी पढ़ा होगा, अल्टरनेटर भी पढ़ा होगा, वो ये जवाब दे पाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर की कैसी होती है? बराबर होती है पावर ट्रांसफार्मर के, ऑप्शन ए, लोअर होती है पावर ट्रांसफार्मर से या हायर होती है पावर ट्रांसफार्मर से, बताना जरा। वोल्टेज रेगुलेशन हायर होती है पावर ट्रांसफार्मर से अल्टरनेटर की, ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि अल्टरनेटर में जो रिएक्टेंस का पार्ट होता है ना, रिएक्टेंस का पार्ट होता है ना अल्टरनेटर में, वो ज़्यादा होता है ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। और रिएक्टेंस जब भी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, ड्रॉप ज़्यादा होता है, ड्रॉप बढ़ता है, और ड्रॉप बढ़ता है तो वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा हो जाती है, समझे? तो ये होता है ऑप्शन, ठीक है, सी। डर्ट एक्युमुलेशन क्या करती है? किसी अल्टरनेटर में डर्ट एक्युमुलेशन क्या करती है? यहाँ पे भी लिख देता हूँ जरा, UPPCL 2015 में आया था, करना जरा, क्या करती है डर्ट एक्युमुलेशन? भैया सब कुछ जितना ऑप्शन में लिखा हुआ है, फ्लैश ओवर, ओवररेटिंग, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये UPPCL इसीलिए डाले हुए हैं यहाँ पे, UPPCL 2019 का है ये, करना जरा। फिक्टिशियस पास सिंक्रोनस रिएक्टर रिएक्टेंस का किसकी टेक केयर से होता है, और किससे बनता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस का फिक्टिशियस पाथ? भैया आर्मेचर रिएक्शन से, ऑप्शन बी। ओवरहीटिंग जनरेटर वाइंडिंग का क्या करता है? ये जितने एमसीक्यू कराए हैं ना, इनको ढंग से पढ़ना, इनको ढंग से पढ़ना है आपने, ये पेपर में आते हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। मैं कह रहा हूँ PGCIL के पेपर होने तक, अगले महीने तक मैं PGCIL के पेपर होने तक मैं सारे एमसीक्यूज करा दूंगा, सबसे लास्ट में मैं ड्राइव्स पढ़ाऊँगा, ड्राइव्स के एमसीक्यू। PGCIL के पेपर होने तक मैंने जितने एमसीक्यू कराए हैं ना, मेरे वीडियो सेक्शन में जाके सब पढ़ जाना, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं PGCIL में। रुक जो, ओवर हीटिंग, हाँ ये PGCIL का क्वेश्चन था, ये भी मैं बता दूँ, PGCIL NR3 2020 का क्वेश्चन है ये, NR3 का, ठीक है, करो जरा इसे। ओवर हीटिंग जनरेटर वाइंडिंग का क्या करता है? भैया ओवर हीटिंग जो भी होती है जनरेटर वाइंडिंग की, वो रिड्यूस कर देती है लाइफ मशीन की, ठीक है? तो ऑप्शन आएगा बी, ये ऑप्शन आएगा ए, रिड्यूस करती है लाइफ मशीन की, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? आशीष सर की क्लासें देखा करो, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो, आपका 100% हो जाएगा। पावर ग्रिड में तो 100% होएगा, अगर SSC JEE में नहीं भी होएगा तो, ठीक है, क्योंकि उसमें दो पेपर है, ठीक है, लेकिन PGCIL के पेपर तक मैं सारे MCQs करा दूंगा आपको, ठीक है, ड्राइव्स तक। ड्राइव सबसे लास्ट में होएगी, क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो एक बार ही पेपर से थोड़ा पहले करा के जाऊंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में फंसे रहे उसके, ठीक है? थैंक यू। बे चल जा भाई।